एल्विश यादव मामले में नया ट्विस्ट सामने आ चुका है। एल्विश पर जो NDPS एक्ट लगाया गया था उसे हटा दिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में अपनी गलती भी मानी है। पुलिस का कहना है कि उनसे एक्ट लगाने में गलती हो गई। दरअसल NDPS का जो सेक्शन उन्हें लगाना था एल्विश पर, उसकी जगह पर कोई और लग गया, जिसके बाद हर तरफ एल्विश की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। आपको बता दें, एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने इस आरोप में अरेस्ट किया था कि पार्टीज में वो सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी बड़ा क्राइम है और इसी के साथ NDPS एक्ट लगाकर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया गया था। अब इस मामले पर लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। जिस टाइम पर एल्विश यादव पर ये NDPS एक्ट लगाया गया था, उस टाइम पर माना गया था कि एल्विश को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में उनके तमाम परिवार वाले, चाहने वाले काफी परेशान हो गए थे और ये दुआएं कर रहे थे कि एल्विश यादव जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। इस टाइम पर एल्विश यादव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसे में भारी दुनिया में अब उन्हें सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। बात करें राजा गुजर की, तो राजा गुजर ने हाल ही में एल्विश यादव पर एक वीडियो बनाया और अपनी दिल की सारी बातें रखी। राजा गुजर का सीधा सीधा कहना है कि एल्विश यादव को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी सच्चाई होगी वो दुनिया के सामने आ जाए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा राजा गुजर ने एल्विश के बारे में। मुझे भाई भाई मैं आपको अपना राजा गुजर, भैया एल्विश यादव दोबारा फंस गो भाई तगड़े तरीका थे। भाई घने दिन से चल रहा हूँ, आपने भी देखो होएगो कि भैया नशा को कौम करे और भैया सांप पकड़ के लावे उनमें तो जहर निकाले नशान के कौम हो रहे। भैया ये भाई पागल बनाने वाले कौम है। अब भैया हमें तो समझ ना आवे, कोई कंप्लेंट कर दे काई ये उठा के ले जाओ, काई की इज्जत, काई को मौन सम्मान कुछ भी न हो तो का भाई जाने भी यू केस करो है, जाने भी ये मुद्दा उठाई है भाई। जब यू प्रूफ हो जाए ना कि भाई यार लौंडा में कोई खोट नहीं है, तो भाई वाह सजा होनी चाहिए 10 साल की, ताकि कोई भी आदमी किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचे। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट। मुझे भाई भाई मैं आपको अपना राजा गुजर, भैया एल्विश यादव दोबारा फंस गो भाई तगड़े तरीका थे। भाई घने दिन से चल रहा हूँ, आपने भी देखो होएगो कि भैया नशा को कौम करे और भैया सांप पकड़ के लावे उनमें तो जहर निकाले नशान के कौम हो रहे। भैया ये भाई पागल बनाने वाले कौम है। अब भैया हमें तो समझ ना आवे, कोई कंप्लेंट कर दे काई ये उठा के ले जाओ, काई की इज्जत, काई को मौन सम्मान कुछ भी न हो तो का भाई जाने भी यू केस करो है, जाने भी ये मुद्दा उठाई है भाई। जब यू प्रूफ हो जाए ना कि भाई यार लौंडा में कोई खोट नहीं है, तो भाई वाह सजा होनी चाहिए 10 साल की, ताकि कोई भी आदमी किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचे।